9 साल पुराना ये इन्वर्टर ऐसी है जिसका गैस जो है निकल चुका है। इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम का कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, पीछे से देख सकते हैं आप। 2015 में इस एसी को खरीदे थे, उस समय में ये नया नया इन्वर्टर एसी लॉन्च होवे किया था, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रेशर होल्ड किए हुए हैं और देखते हैं कि प्रेशर कहां से निकला है, इंडोर यूनिट के साइड से निकला है या आउटडोर यूनिट के साइड से निकला है। देखिए पहले हम बता देते हैं कि 3 दिन पहले इसके अंदर जो है आकर के हम प्रेशर होल्ड किए थे, 350 PSI प्रेशर होल्ड किए हुए थे। अभी देख लेते हैं, अभी देखिए ये 350 PSI से 10 पॉइंट कम है, मतलब ये खोलने में और लगाने में जो थोड़ा बहुत घटा प्रेशर, वही प्रेशर ये शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये पाइपिंग और इंडोर यूनिट के साइड से जो है गैस नहीं निकला है। अब आउटडोर यूनिट के साइड से जो हम चेक करेंगे, अभी दिखा देते हैं चेक करके। पहले इसका जो हम प्रेशर निकाल देते हैं, जो भी प्रेशर है, क्वार्टर वाला पाइप को जो हटा दिए खोल करके, यानी पतला वाला पाइप जो उसको हटा दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए और उसी वॉल्व में जो है ये पाइप लगा दिए मीटर वाला, ठीक है। अब ये मीटर जो पहले हम खोल रखे थे, फिर से मीटर बंद किए, उनके बाद यहाँ से एलंकी से खोल के हम दिखा देते थे इसके अंदर कितना प्रेशर है। अब हम इनका वॉल्व खोले, देखिए जैसे ही एलंकी खोले वैसे ही मीटर का कांटा जो था देखिए ऊपर चल गया। देखिए कांटा जो है वही है, सेम टू सेम जितना प्रेशर इसमें अभी पाइप में था उतना ही इसमें भी है, मतलब इसमें से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी प्रेशर डाउन नहीं हुआ है। अभी हम आ चुके हैं सुपौल मार्केट में, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर लेटा हुआ है इसमें 410 नंबर गैस है और यही गैस जो है एसी के अंदर है 410 नंबर। तो अभी हम छोटे वाले सिलेंडर में गैस ले रहे हैं इस बड़े वाले सिलेंडर से उसमें भरने के लिए। ये सिलेंडर लेकर के अभी हम सुपौल गए हुए थे, 410 नंबर गैस लेना था जो कि हम ले चुके हैं। और भाई साहब उस एसी के अंदर से गैस निकला है, कहाँ से निकला है नहीं पता चल रहा है। प्रेशर भी होल्ड किया हम, 3 दिन तक प्रेशर होल्ड रहा, आज चौथा दिन हो जाता प्रेशर होल्ड किए हुए, तो 3 दिन ऑलरेडी प्रेशर हम होल्ड किए रहे, कहीं से कोई जो है ड्रॉप नहीं हुआ था, उसका प्रेशर जो है डाउन हुआ ही नहीं। अगर कहीं से लीकेज होता तो डाउन होता ना, लेकिन गैस तो निकला हुआ है। फिर भी जब वो प्रेशर डाउन नहीं हुआ तो जा रहे हैं गैस डाल देंगे बढ़िया तरीका से, और नटवट के पास से जो है हम देख लेंगे वॉल्व के पास से, बाकी उसको बोल दिए हैं कि गैस तो अभी हम डाल दे रहे हैं, 3 महीने की वारंटी रहता है तो आप 2.5 महीना होगा तो एक बार और हमको जो है फ़ोन कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कंपनी में, आके एक बार चेक कर लेंगे कि कभी कहीं से प्रेशर डाउन तो नहीं हुआ है। 3 महीना में तो कहीं ना कहीं से डाउन हो ही जाना चाहिए ना गैस का प्रेशर, वैसे नहीं ही होगा क्योंकि ये प्रेशर हम डाले 3 दिन तक छोड़े, अगर कहीं से माइनर सा भी होता लीकेज तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट 50 पॉइंट तो घटता ही ना, कहीं से कुछ भी नहीं घटा। चलिए अब उसके अंदर जो है गैस चार्जिंग करते हैं, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर से मीटर का पाइप जो हम कनेक्ट कर रहे हैं आउटडोर यूनिट के वॉल्व में, बाकी पाइप जो खोले थे पतला वाला वो भी कस दिए हैं। अब हम इनको वैक्यूम करेंगे बढ़िया तरीका से, लगभग 15 से 20 मिनट करीब वैक्यूम करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर गैस चार्जिंग करेंगे। लगभग लगभग 20 मिनट जो होने वाला वैक्यूम होते हुए, तो सबसे पहले हम मशीन बंद करने से पहले मीटर बंद करेंगे, उसके बाद हम मशीन बंद करेंगे, ठीक है। एसी चालू कर दीजिए। यहां से अभी हम नट खोले थे पतला वाला पाइप का, तो वहीं से फिर से हम चेक करें कहीं से लीकेज तो नहीं रह गया। वैसे यहाँ पर किसी भी वॉल्व से जो लीकेज नहीं है, ठीक है, एकदम टू टंच है। अब इनका आउटडोर यूनिट जो एकदम गर्दा उड़ा करके चल रहा है, ठीक है, एकदम धुइयां छुड़ाया हुआ है, और इसका रनिंग प्रेशर जो है अभी देखिए 140 चल रहा है, वैसे 120-130 रहना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। इंडोर यूनिट जो एकदम दनादन चिल्ड हवा फेंक रहा है, ठीक है। अब इनको लग से देखिए, यहाँ देखिए इंडिकेटर है खाली, डिस्प्ले नहीं है। उस समय में 2015 का मॉडल है, उस समय में ये इन्वर्टर एसी लिए थे, तब तो हम बुझबो नहीं करते थे कि एसी क्या होता है, बताइए। हम 2017 में जाए गए हैं काम सीखने के लिए, 2015 में हमको कुछ मालूम नहीं कि एसी होबो करता है, क्या होता है नहीं होता है। बाकी इधर कॉयल वॉयल सब साफ है, फिल्टर भी साफ है, बाकी सब कुछ जो है टू टंच है, अंदर चिल्ड हवा और बाहर गर्म हवा फेंक रहा है। काम हमारा कंप्लीट हुआ, वीडियो को अंत करते हैं।